सर मेरा पहला सवाल होगा आप पर। जिम्मेदारी तो बड़ी है, बड़ी थी मैं कहूंगा। आपको राजस्थान में सभी रूटों को मनाना था। इस मिशन के लिए आप कई जिलों में भी गए। मान सकते हैं क्या सबकी नाराजगी दूर हो गई है अब? ऐसे तो गुट भी नहीं है, नाराजगी भी नहीं है, मनाने का सवाल कहाँ है। जा जो नहीं है आप तो इमेजिन करते, तो वो मैं तो प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, इमेजिनेशन का उत्तर कैसे दूं मैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि चुनाव से पहले जब ये चुनावी समर शुरू हुआ उससे पहले बीजेपी कई ऐसा लग रहा था कि कई गुटों में बटी हुई है, जैसा कांग्रेस कई बार आरोप लगाती थी और आप लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि पायलट गुट है, गहलोत गुट है, ऐसे बीजेपी में भी आरोप लगते थे कि यहां पर भी कई गुट है, तो उस गुटबाजी की मैं बात कर रहा था। नहीं मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि गुटबाजी कोई नहीं है। मैं तो 3 साढ़े 3 महीने से इधर हूँ, सब मुरह से मुलाकात करते हैं, मैं सबसे मुलाकात करता हूँ, हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, बाद में एक निर्णय लेते हैं। ऐसे तो कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी है तो जिसको मुख्यमंत्री ने अपने ही पार्टी का एक नेता को गद्दार बोला, अपने ही पार्टी को जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं बोला, तब बागी होके खड़े हो गए। तो बीजेपी में तो ऐसा थोड़ी हुआ है, बीजेपी में हम सब एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नड्डा जी के मार्गदर्शन में हम पूरा एकजुट है और आगे भी हम यही एकजुटता से काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2013 में, 213 में जो हमारा रिजल्ट आया था वो रिजल्ट रिपीट होगा, मैं ये दावे के साथ आपको कह रहा हूं। 2013 में जो नतीजा आया था आप वो कह रहे थे रिपीट होगा, लेकिन कांग्रेस अब कह रही है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी हम सब साथ साथ हैं। क्या आपको लगता है चुनौती बढ़ गई है? तस्वीर भी रिलीज हो गई है, क्या आपको लगता है चुनौती बढ़ गई है? क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि अब सचिन और गहलोत आएंगे बीजेपी को उड़ाएंगे। नहीं, ये सचिन और गहलोत 2018 में क्या हुआ था जी, 2018 में क्या हुआ था, यही फोटोशॉप हुआ था, नहीं हुआ था। बाद में गद्दार उनको कौन कहा, उनको और क्या क्या गाली नहीं दिया, ये तो हमने दिया था क्या। तो उनको द्रोही कौन कहा, हमने कहा क्या। तो यही लोग, और जो जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वयं डिसाइड किया कि आपको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, तो कौन सब एमएलए को भगा के पार्टी को द्रोह किया, ये तो हमने नहीं किया जी। ये प्रश्न एक्चुअली आपको उनको पूछना है, हमको पूछ रहे हैं तो नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूं कि आपका एड्रेस गलत नहीं, अब है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम साथ साथ आ गए हैं। नहीं, साथ साथ पहले भी आ गए थे, तो जी चुनाव जीतने के बाद झगड़ गए और फिर से आप झगड़ेंगे। आपका नाटक, लेकिन आपका ड्रामा सब देख लिया है लेकिन दो लोग। अगर साथ आए थे तो 2018 में सरकार तो बना ली थी ना। नहीं, 2018 में आए थे, बाद में गद्दार कौन बन गए थे आप, तो द्रोह कौन, द्रोही कौन बोला, हमने तो नहीं बोला ना। तो बोला तो यही है, अभी तो पूरा होने के बाद, अभी 1 बरस पहले उनको जो गाली नहीं दिया, जो डिक्शनरी में सब गाली गहलोत जी ने पायलट को दिया, हमने दिया है क्या गाली। तो अभी फिर से लोगों को गुमराह करने के लिए ये सोचते हैं हम लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। लोग बहुत प्रबुद्ध है, राजस्थान के जनता बहुत प्रबुद्ध है, ये तो श्रूड है, ये तो नहीं होने वाला है, ये तो ये स्वयं यही व्यक्ति है जी, यही मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने स्वयं हाईकमांड को उन्होंने द्रोह किया है। और अभी बोलते हैं राहुल गांधी क्यों गए थे उत्तराखंड में, इधर चुनाव है उधर गए थे। तो राहुल गांधी भी जानते हैं कि इधर आने से सरकार नहीं बन रही, क्यों आना, और गहलोत भी जानते हैं राहुल लेकिन गांधी आने से कोई फायदा नहीं है। अब तो आ रहे हैं राहुल जी, आजकल तो राजस्थान में ही घूम रहे हैं, नहीं प्रचार कर रहे हैं। अंत में आ गया तो पकड़ के लेके आया है वो तो अलग बात है, लेकिन इतने दिन तक कहां घूम रहे थे और क्यों घूम रहे थे। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी काफी उठा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जिक्र किया, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जिक्र किया, वो है लाल डायरी। जब गहलोत जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये लाल डायरी की साजिश मुझे लगता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रची है और उसने लाल डायरी का नाम दिया, लाल डायरी का की कोई चर्चा यहां नहीं है। लाल डायरी जो लिखा या था उन्होंने स्वीकार लिया कि मैंने ही लिखा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, हमने तो थोड़ी कहा है, ये तो डायरी मेरे से ही लिखा हुआ है, तो हमने थोड़ी कहा है जी।
जिन्होंने लाल डायरी लिखा है उन्होंने स्वीकारा है ये मेरा ही है, मेरा हैंड राइटिंग है, और जो लाल डायरी है इसीलिए इतने डर गए थे। तो लाल डायरी क्यों जब उन्होंने विधानसभा में प्रदर्शन किया उनके हाथ में ही उनको क्यों खींच के लेके चले गए और इतने लाल डायरी पे क्यों डरते हैं आप लोग, ये तो बताना पड़ेगा क्या लोगों को। पर लाल डायरी में ऐसा है क्या? लाल डायरी में जो कुछ भी है भी तो एक एक करके आ रहे हैं ना, स्वयं उन्होंने उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री के जो सुपुत्र ने जो कहा है वो लाल डायरी के अभी तीन चार पेज तो अभी दो तीन दिन पहले ही आया, आपके चैनल में भी आ गया वो। लेकिन गहलोत जी को लगता है कि वो केंद्रीय सरकार की साजिश है। नहीं तो जो कुछ भी होता है वो केंद्रीय सरकार का साजिश ही दिखता है। उन्होंने उनके दफ्तर में पैसा मिला, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिला, 3-4 करोड़ रुपए मिला, गोल्ड मिला, ये सब केंद्रीय सरकार का साजिश है उन तो मानते हैं, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार करते हैं ये तो मनमानी करते हैं, वो देख के केंद्रीय सरकार चुपचाप बैठना ये तो उनका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, स्वयं मोदी सरकार 9 वर्ष में एक भी भ्रष्टाचार आरोप मोदी सरकार पे नहीं है और मोदी सरकार भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी के 9 वर्ष के सरकार ये करप्ट फ्री गवर्नमेंट है, देयर इज नो करप्शन इन दिस गवर्नमेंट। और अगर देश में कोई भी सरकार ऐसे करप्शन करते तो मोदी सरकार हम मूक प्रेक्षक होकर नहीं बैठते, हम कार्रवाई करेंगे आगे भी करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ये बार बार आरोप लगता है केंद्रीय सरकार पर कि भ्रष्टाचारी सारे विपक्ष वाले ही है भूपेश बघेल पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है तो ईडी की कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान के अंदर ईडी की कार्रवाई हो रही है, क्या विपक्ष वाले सारे भ्रष्टाचारी है? ये काउंटर क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं 100 करोड़ का कहां पे मिला जी? महादेव आपका पैसा किससे पास मिला जी? महादेव आपका स्टेटमेंट कौन किया जी? तो बीजेपी का है क्या? तो जिन्हों जिसके पास पैसा है उसके ऊपर रेड होता है, तो जिसके पास अवैध खनन का पैसा है, जिसके पास भ्रष्टाचार का पैसा है उनके ऊपर रेड होता है, तो रेड तो जिसके पास पैसा है उसके ऊपर होता है। ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट इसको बीजेपी का अलायंस माना जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी के साथ ये तीनों एजेंसियां भी चुनाव लड़ती हैं हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। ये क्या सोचते हैं 60 वर्ष उन्होंने जो किया है ना वो इमेजिन वही करते हैं। लेकिन जहां भी रेड हुआ है करोड़ों करोड़ों पैसा मिला है, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, पेपर लीक में जो पकड़ा गया उनके पास पैसा मिला ही नहीं मिला? रेड हैंड कौन पकड़ा था? हम पकड़ा था, एसीबी पकड़ा था। एसीबी किसका है? जब एसीबी पकड़ा आपने कार्रवाई नहीं किया इसलिए भी ईडी आया ना। आप अगर एसीबी आपका आपके एसीबी का आपका विश्वास नहीं है क्या? वो कहते हैं एक मिनट, दफ्तर में पैसा कहां? दफ्तर में तो ठीक है, किसी का घर में भ्रष्टाचार करके पैसा रखता है, ये स्वयं मुख्यमंत्री के बहुत उनके चेंबर के नजदीक जो योजना भवन है योजना भवन में पैसा मिला ना, किसका पैसा था? और वो पैसा तो ऐसे जब दफ्तर में पैसा रखते हैं और ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स कार्रवाई नहीं करना, ये अपेक्षा करते हैं आप कांग्रेस को? लेकिन विपक्ष समूचे विपक्ष का, देखिए पूरे इंडिया गठबंधन का यह आरोप है कि ईडी कभी बीजेपी नेताओं की डोरबेल नहीं बजाती, सब विपक्ष के नेताओं की बजाती है डोरबेल। नहीं देखो जहां भी मिला है पैसा जी, वो वेस्ट बंगाल में हो, वो अपॉइंटमेंट का स्कैम कौन किया? भ्रष्टाचार का पैसा उधर मिला है नहीं मिला है? और इधर पेपर लीक कहां हुआ, कैसे हुआ? आपके राइट हैंड मैन जिसको आपने आरपीएससी मेंबर बनाया था, जो उन्होंने बस में बैठ के तो एक सब कार्रवाई कर रहे थे तब उनको पकड़ा गया। तो जहां भ्रष्टाचार होता है वहां ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स आते हैं, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है नहीं आता है, सिंपल है। एक और विषय है कि बीजेपी इलेक्शन के अंदर ये बार बार बात आती है और कई ऑपोजिशन पार्टी से इसका जिक्र किया कि बीजेपी हर चुनाव को हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पे लेके चली जाती है। हाल ही में अशोक गहलोत जी ने बोला कि कन्हैयालाल साहू की जो हत्याकांड हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले थे। सरकार किसका है? कांग्रेस का है। क्यों कार्रवाई नहीं किया अभी तक? तो कन्हैयालाल आपको लिखा, आपके पुलिस को लिखा था और हमको लिखा था, आपके पुलिस को लिखा था, मैंने सिर्फ कुछ फॉरवर्ड किया है, कुछ उसके कारण मुझे धमकियां मिल रहा है,
मुझे प्रोटेक्शन दे दो, दिया क्या? तो कांग्रेस का सरकार जहां जहां रहता है, इन अपराधियों को, इन टेररिस्ट को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, क्रिमिनल्स को लगता है हम कुछ भी करते हैं तो इस कांग्रेस पार्टी से, इस कांग्रेस सरकार से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। ये उनको मॉरल एक धैर्य है, मॉरल करेज है, इसीलिए ऐसा आपराधिक कृत वो करते ही रहते हैं। इसके कारण कन्हैयालाल का हत्या हुआ है और कन्हैयालाल का चार्जशीट हो गया है, एनआईए ने चार्जशीट लगा है। इसमें तो हमने यही कहा है तुष्टिकरण राजनीति का पराकाष्ठा है, ये कहा है, लेकिन इन्होंने कोई बिना तथ्य के आधार बिना तथ्य उन्होंने आरोप ऐसे करते हैं। आपके आपके पास अधिकार था 5 पर, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगाए, इससे पहले अगर किसी का बीजेपी का हाथ है तो क्यों आपने इंक्वायरी नहीं किया? आप ही का पुलिस ने पकड़ा था ना, उस टाइम क्यों आपने स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया? ये तो गहलोत तुष्टिकरण राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे, और यही तुष्टिकरण के लिए उन्होंने मंदिर को तोड़वाया, पुजारियों का हत्या हुई उनको कुछ नहीं होता है, कवाड़िया को उन्होंने परमिशन इनकार करते हैं, पीएफआई को परमिशन देते हैं, संतों का हत्या होता है उनको कुछ नहीं होता है। तो कांग्रेस का नीति है, तो जब तक शाहबानो से लेके, शाहबानो के उस टाइम के केस के लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसको नेगेट करने के लिए उसको पार्लियामेंट में लेके आए थे, पार्लियामेंट में लेके आया, और उधर उस टाइम से आज तक राम मंदिर से अभी तक आर्टिकल 370 तक आपका व्यवहार क्या है? अभी भी आपके चिदंबरम जी बोलते हैं अगर हम फिर से सरकार में आते हैं तो, वो तो आते नहीं है सेंट्रल में, वो तो अलग बात है, कांग्रेस कभी भी आते नहीं है। कांग्रेस एक पास्ट टेंस पार्टी है, कांग्रेस इज गोइंग टू बिकम पास्ट टेंस। वाई बट दे वांट कर्नाटक, वो कर्नाटक जीत के आए, उन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया सीधी लड़ाई के अंदर कांग्रेस ने। देखो कर्नाटक में कुछ कारण से वो जीते होंगे, मैं नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू बिकम पास्ट टेंस इंडिया अलायंस के बावजूद। ओ इंडिया अलायंस क्या होता है, इंडिया अलायंस का आपने, इन्होंने नीतीश कुमार जी ने क्या बोला है इंडिया अलायंस के बारे में, अखिलेश सिंह क्या बोल रहे हैं, तो ये घमंडिया अलायंस है। तो कांग्रेस पार्टी स्वयं एक घमंडिया पार्टी है, किसी के साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं होता है, अपने आप को वो स्वयं जैसे राज महाराजा रहते ना ऐसे समझते हैं स्वयं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसलिए किसी के साथ उनके। लेकिन मैं एक आंकड़ा निकाल कर आया, 30 साल से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है, लेकिन आपकी पूरी पार्टी बार बार कहती है कि 10 जनपद से इन्होंने देश को चलाया, 10 जनपद से देश को चलाया, लेकिन कोई बना तो नहीं प्रधानमंत्री? नहीं तो इन्होंने तो बनाया मनमोहन सिंह को, नहीं ये तो फैक्ट नहीं है कि कौन चलाते थे, तो सारे दुनिया जानते हैं जी। तो मनमोहन सिंह के टाइम पे तो एक ऑर्डिनेंस, ये राहुल गांधी जी क्या थे जी आप मुझे बताइए अमित जी, राहुल गांधी जी क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे उस टाइम मैं था उसी टाइम राहुल गांधी जी भी ऐसे थे। राहुल गांधी एक ऑर्डिनेंस, जिस ऑर्डिनेंस कौन पारित किया था, पूरे पार्लियामेंट पूरे कैबिनेट, जिस कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी थे, जिस कैबिनेट में शरद पवार जैसे नेता थे, जिस कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े अर्जुन सिंह जैसा नेता थे, उतनी बड़ी कैबिनेट में जो पारित हुआ एक ऑर्डिनेंस को पब्लिक में फाड़ देते, वो ऑर्डिनेंस ठीक था या गलत था अलग बात है, लेकिन ऑर्डिनेंस वो पब्लिक में फाड़ते हैं, वो ऑर्डिनेंस को विथड्रॉ होते हैं। कौन सरकार चलाते थे जी, कौन सरकार चलाते थे? ये तो यही एक एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं चाहिए आपको जी। आप तुष्टिकरण की बार बार बात करते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या तुष्टिकरण और कन्हैयालाल साहू का हत्याकांड क्या राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार, क्योंकि जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं? नहीं, ये तो ये जो एंटी नेशनल और क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को जो बढ़ावा देता है कांग्रेस पार्टी, उसके ऊपर ये तो एक इश्यू है, क्योंकि इनके कारण इनके जो रवैया है, इनके जो आर्टिकल 370 से लेकर कश्मीर तक इनका जो रवैया है और इनका जो सॉफ्ट नीति है टेररिज्म के बारे में, इसके कारण ही आज टेररिज्म जब बढ़ गया था, लेकिन मोदी जी के कालखंड में हमने सभी जो कदम उठाने का था वो कदम भी उठाया है, और जब पाकिस्तान इसके बावजूद भी एक बार पठानकोट में और एक बार कश्मीर में जब अंदर आके कुछ गतिविधियां किए टेररिस्ट एक्टिविटी,
पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने का पहले काम हुआ है तो भारत देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये टेररिज्म हम पूरा खत्म करके ही रखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें कभी भी उसका सपोर्ट भी टेररिज्म खत्म करने के सपोर्ट नहीं है। थोड़ा आगे जाके कहता हूं, थोड़ा टेररिस्ट के बारे में सॉफ्ट है उन लोग। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, लेकिन क्या जो पाकिस्तान की बात है खासतौर पर, क्या बीजेपी का कोई भी चुनाव बिना पाकिस्तान के संपूर्ण नहीं होता? रमेश भिदुड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और टोंक के इंचार्ज है, उन्होंने हाल ही में बयान दिया जो हेडलाइन बना हुआ है कि इस राजस्थान के चुनाव पर पाकिस्तान की भी नजर है। क्यों भाई, मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, मैं तो रमेश भिदुड़ी ने क्या स्टेटमेंट दिया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण के राजनीति के बारे में हम जरूर बात करते ही रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी इधर जैसे भी मैंने पहले भी कहा, तो इधर मंदिर को कौन तोड़वाया, पुजारियों का हत्या कैसा हुआ, और नंबर वन क्रिमिनल टोटल क्रिमिनल एक्टिविटी में और महिलाओं के अत्याचार में 16% ऑफ महिला अत्याचार जो देश में हो रहा है, देश में टोटल जो हो रहा है उसमें 16% राजस्थान में है। और उसके साथ ही साथ अभी जो पुजारियों का हत्या हुआ, संतों का हत्या हुआ, जी ये हत्या के बारे में इन लोगों ने क्या किया है? और पीएफआई को परमिशन देते हैं, पीएफआई को जुलूस को परमिशन देते हैं, और रामनवमी के टाइम पर परमिशन नहीं देते हैं, ये क्या तरीका है? तो इसीलिए उनको लगता है ये सरकार हमारी सरकार है, क्योंकि पीएफआई को जब सपोर्ट मिलता है उनको लगता है यार सरकार हमारी सरकार है, हमारा हितैष है, इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं तो चलेगा। बाद में जहां तक ये चलेगा, धीरे धीरे अपीजमेंट के साथ ही साथ इसको अपराध करने के लिए भी इसको प्रोत्साहन मिल रहा है। आज रात जेपी नड्डा जी भी इस मंच पे आएंगे, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम कैंडिडेट इस बार क्यों नहीं दिया? वसुंधरा जी सीएम कैंडिडेट है या नहीं? दिया कुमारी सीएम कैंडिडेट है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राज्यवर्धन जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो है, कौन है इस बार? मैं आपको पूछना चाहता हूं जी, जो मुख्यमंत्री सिटिंग है उनका ही अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी नहीं किया है? हमने तो स्ट्रेटेजिकली इस बार नहीं किया है, जब हमको करना है हम करते हैं, हमारा तो सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है, इनका सिटिंग मुख्यमंत्री है ना जो ताली बजाया, उनके यहां तो गुटबाजी है। मैं जी और गहलोत जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस किया है क्या? नहीं किया है, मतलब क्या है ना, पर और क्यों नहीं अनाउंस किया? तो लास्ट टाइम क्या किया था लोगों को ऐसे, हमारा कन्नड़ में बोलते हैं, मैं दक्षिण भारत से आता हूं, मैं कन्नड़ का एक बोलता हूं जो टोपी डालना बोलता है, तो इधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है जी, ये टोपी डाल के लास्ट टाइम गहलोत को भी दिखाया, पायलट को भी दिखाया, और जनता को टोपी डालने का कोशिश किया, एक हद तक एसएसबी भी हुआ। इस बार ऐसे नहीं होने वाला है जी, इस बार इस बार आप किसको सीएम की टोपी पहनाएंगे? हमने स्ट्रेटेजिकली इस बार सीएम का अनाउंसमेंट, फेस अनाउंसमेंट नहीं किया है, ये हमारा स्ट्रेटजी हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा तो सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है ना, जिसका सिटिंग मुख्यमंत्री है जी, और जी, जिसका जी। ढाई वर्ष के बाद जिसको आश्वासन दिया गया था, जिसको प्रॉमिस किया गया था आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उनको भी धोखा, इनको भी धोखा, जो सिटिंग मुख्यमंत्री उनका भी अनाउंसमेंट नहीं है, इनका भी अनाउंसमेंट नहीं है। अच्छा, मेरा कांग्रेस पार्टी का नीति क्या है? अच्छा, मेरा अगला सवाल वो राजस्थान से नहीं है लेकिन वो देश के संसद से है। महुआ मोइत्रा, जिनका विशेष समय देश में छाया हुआ है, वो कह रही है कि कमेटी ने उनसे बड़े पर्सनल सवाल पूछे, जो भी मामला हुआ वो हम सबके समक्ष है, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय के ऊपर? क्योंकि कुछ विपक्षी दल के कुछ नेता, पूरा विपक्ष नहीं, विपक्षी दलों के कुछ नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, पहले तृणमूल कांग्रेस, कैश फॉर क्वेरी वाले मामले की बात कर रहा हूं मैं, तृणमूल कांग्रेस ही उनके साथ खड़े नहीं हुए जी, हमारे बाकी पार्टियों के लेके क्या करना है? तृणमूल कांग्रेस इज नॉट विथ मोमाइटर, दिस इज नंबर वन। तृणमूल पार्टी ने क्या कहा? तृणमूल पार्टी शी इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग हर ओन केस, तो ये स्टेटमेंट उनका है, हमारा नहीं है। दूसरी बात व्हाट जी, दूसरी बात मैं सिंपल, तो पर्सनल क्वेश्चन, ये तो ये जो कमिटी होता है, जो भी कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी हो, पार्लियामेंट्री कमिटी हो, ये कॉन्फिडेंशियल होता है,
उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक मैं जानता हूं ऐसे कोई पर्सनल प्रश्न नहीं पूछा गया। आपके अकाउंट में दुबई से पैसा क्या आया ये ऐसे कुछ पूछा गया ऐसे मैं मुझे जानकारी मिला है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मैं एक एमपी हूं, भारत सरकार पैसा खर्च करके आपको एक ईमेल अकाउंट देते हैं, आपको लैपटॉप देते हैं, आपको कंप्यूटर देते हैं, आपको एक असिस्टेंट देते हैं। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडरलाइन माई स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर मेकिंग। आपको स्टाफ देता है, आप इतने स्टाफ देने के बाद, आपको लैपटॉप देने के बाद, आपको वाईफाई देने के बाद, आपने क्यों दिया आपका आईडी वगैरह दुबई में जो बैठते हैं उनको क्यों दिया और उन्होंने क्यों अपलोड किया क्वेश्चन वगैरह? ये प्रश्न पूछने का सिर्फ कमिटी का नहीं, ये देश को अधिकार है, देश के साथ एक गद्दारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो महुआ मोहित्रा ने किया, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता शायद इसको कोई जस्टिफाई कर पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी उनके पक्ष में बात को रखा। देखो राहुल गांधी किसके पक्ष में बात करते हैं किसके पक्ष में नहीं बात करते स्वयं उसको पार्टी को स्वयं कभी कभी राहुल गांधी भी समझते नहीं, ये प्रॉब्लम राहुल गांधी का है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है जब स्वयं उनके पार्टी और ममता बनर्जी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पार्टी को पता है कि इन्होंने बहुत बड़ा गलती की है, मॉरली बहुत बड़ा गलती है, लीगली बहुत बड़ा गलती है। जब ये जानते हुए भी अगर कोई सपोर्ट करते हैं तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं? वो कह रही है मुझे सवाल पूछने के लिए मेरी मेंबरशिप लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, बहुआ मोहित्रा कहती है। नहीं, उन्होंने उत्तर बिना उत्तर देते हुए बाहर क्यों आया? दैट्स द पॉइंट। आप कह रहे हैं कि अच्छा आखिरी सवाल है मेरा, बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है राजस्थान के अंदर? मैंने पहले भी कहा 2013 में हमारा जो रिजल्ट आया था उससे बढ़िया, उससे ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे और एकदम सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे। मोदी जी के मार्गदर्शन में एक सशक्त और प्रामाणिक सरकार हम चलाते हैं। मैं राजस्थान जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं हम एक सशक्त समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है, उसके लिए हमको मोदी जी का मार्गदर्शन। सीटों का नंबर अगर बता पाए तो सीटों का नंबर मोर देन 163 सीट हमारे आए, 163 जो लास्ट 163 सीट आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप इस पे बने रहिए हमारे साथ। प्रहलाद जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जाहिर तौर पर रणनीतिकार के